बायोकेमिकल टेस्ट के क्रम में आज हम जानेंगे मेथिल रेड टेस्ट यानी एमआर टेस्ट। एमआर टेस्ट के लिए सबसे पहले हम एक लिक्विड मीडिया यूज करते हैं जिसका नाम ग्लूकोज फास्फेट ब्रॉथ है, जैसा कि दिख रहा है। इसका यूज होता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करके मीडियम को एस्टिक बना देती है, एसिड प्रोड्यूस करके, जिसके वजह से उसका जो पीएच होता है मीडियम का 4.5 से लो होता है, जो एमआर इंडिकेटर डालने के बाद रेड कलर देता है। तो आइए देखते हैं करते कैसे। सबसे पहले स्टेट वायर लेंगे, स्टेट वायर को रेड हीट करेंगे। रेड हीट करने के बाद एक कॉलोनी इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करने के बाद उसको मिक्स करके 24 हावर के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर इसको इनक्यूबेट करेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट आता है। नेक्स्ट डे देखते हैं कि मीडियम एटर्बिटी दिख रही है, यानी कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है। अब इसमें एमआर यानी मेथिल रेड इंडिकेटर डालेंगे। यदि मीडियम का पीएच लो होगा यानी 4.5 से लो होगा तो रेड कलर का फॉर्मेशन होगा, जो जैसा कि देख रहे हैं कि एमआर पॉजिटिव है यानी रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया है। यदि एमआर नेगेटिव होगा तो एमआर इंडिकेटर डालने के बाद बिल्कुल कलर डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि यह टेस्ट एमआर नेगेटिव है। इस टेस्ट का उपयोग इकोलाई को क्लेब्सिलस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं।